नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मंगलवार को भी ईडी दूसरे दिन की पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले सोमवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा आज दूसरे दिन भी चरम पर है। कांग्रेसियों ने मंगलवार को भी राजधानी दिल्ली समेत कई स्थानों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कार्यालय तक चलेंगे और जहां तक शांतिप्रिय गांधीवादी तरीके से हमें इजाजत देगी सरकार और पुलिस, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया है, हम वहां तक चलेंगे और अगर वहां हमें वो रोकेंगे तो सब कांग्रेस जन गिरफ्तारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।